Let me cut across to some news coming in from Uttar Pradesh. As voting is currently underway there at one Lok Sabha and two assembly constituencies, including Mayanpur Lok Sabha seat and Rampur Sadar Kathauli assembly seats. Now, BJP is clashing with Akhilesh Yadav Samajwadi Party and the Rashtriya Lok Dal in Mainpuri in the bastion of the SP Patriarch Mulayam Singh Yadav. SP Chief Akhilesh Yadav's wife, Dimple Yadav, is the Samajwadi Party candidate from Mainpuri, while BJP has pitted former MP Raghuraj Singh Shakya against her. Mainpuri Lok Sabha seat fell vacant after the death of Mulayam Singh Yadav. The bipoles in Uttar Pradesh's Rampur Sadar and Kathauli were necessitated after SP MLA Azam Khan, BJP MLA Vikram Singh, both were disqualified in separate cases. Azam Khan was disqualified in a hate speech case. BJP MLA Vikram Singh has been disqualified as he's facing conviction in the 2013 Muzaffarnagar riots case. बड़ा दिन है मैनपुरी के लिए, पहले तो बताइए संदेश क्या आज, क्योंकि पोलिंग का दिन। मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता नेताजी को याद करके और जो विकास नेताजी ने किया है उस विकास का समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश है और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो नेताजी ने सपना देखा था उस सपने को कैसे पूरा करें। आपने कहा डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं, आपने कई लापरवाही बरती जा रही हैं। डे वन से, जिस दिन से नॉमिनेशन हुआ और आज तक, लगातार उनकी कोशिश रही है कि समाजवादी पार्टी का कैसे नुकसान हो, उनके कार्यकर्ताओं को कैसे डराया धमका जाए, उनके खिलाफ कैसे मुकदमे दर्ज हों। सेंटर फोर्स आई है, वो समाजवादी पार्टी के गांव में जा रही है, उन्हें कैसे पता कि ये गांव समाजवादियों का है, उन्हें दूसरे गांव में क्यों नहीं जा रहे हैं फ्लैग मार्च करने। आखिरकार कौन उनको गाइड कर रहा है, कौन उनको बता रहा है कि इस गांव में आपको जाना है, ड्यूटी कौन लगा रहा है? आप यहां से रामपुर को भी देख रहे हैं, रामपुर में आसिम रजा को इस तरह से कल हिरासत में लिया गया फिर छोड़ दिया गया। देखिए, ये रामपुर में लोकसभा में ही वोट नहीं डालने दिया, इस समय भी वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं, ये कर्फ्यू लगा के काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अगर वोट नहीं डालने जाओगे दोगे तो लोकतंत्र खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ यहाँ कहते हैं कि समाजवाद नहीं चाहिए, यहाँ पे मैनपुरी को रामराज्य चाहिए। जो जो समाजवाद है वही रामराज्य है, जो रामराज्य है वही समाजवाद है। और उनका अगर कोई रामराज्य है तो क्या ये रामराज्य है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा अन्याय उत्पीड़न हो रहा हो, सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हों? तो आखिरकार उनका रामराज्य क्या है, अपना रामराज्य नहीं बताएंगे। तीन जगह है, मैनपुरी, खतौली और ये आप आरएलडी, आपके सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है तीनों सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी जीतने जा रही है। मैं जनता से अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा लोग जाएं, बूथों पे पहुंचे, अपना वोट डालें, अपने हक और अधिकार का इस्तेमाल करें। आपने ट्वीट करा है, लगातार ट्वीट हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से आप लोग शिकायत कर रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? जी हाँ, जिस तरह से प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को हैरेस कर रही है, कार्यकर्ताओं को हैरेस कर रही है, और जिस तरह रात को भी काफी इस तरह की प्रक्रिया हुई है क्षेत्र में, जहां पैसे और शराब बांटी गई है, कोई हथकंडा छोड़ नहीं रही है, जहां ये प्रशासन नहीं छोड़ रहा, सरकार नहीं छोड़ रही है, तो इस वजह से ट्वीट हुए हैं मेरे अकाउंट। रघुराज शाक्य को बड़ा चैलेंज मानती हैं? मैं समझती हूँ क्षेत्र की जनता, जिसने इतना विकास देखा है और लगातार विकास देखा है, यहाँ पे आप देखेंगे लोग संपन्न हैं, लगातार विकास हुआ है, तो इस क्षेत्र की जनता इस बार नेताजी के नाम पे वोट करने जा रही है। अगर जीत कर आती है तो वो जनता के लिए क्या करेंगे? मैं समझती हूँ एक साल का मौका मिलेगा मुझे, तो जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगी और फिर अगले चुनाव का देखेंगे। आखिरी सवाल छोटा सा, अखिलेश यादव ने आपको कोई टिप्स दिए, कुछ बताया हो कि कैसे आप चुनाव लड़िए? मैं समझती हूँ ये मेरा घर है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, और घर के लिए कोई टिप्स नहीं चाहिए। इस बार का चुनाव कैसा है? ये तो ऐसा है कि आप 1 लाख वोटों से अपने क्षेत्र में आप लीड में रहे हैं, क्या इस बार रहेंगे या इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है और हमारे कार्यकर्ता बूथ पर पहुंच चुके हैं, जनता भी निकलना शुरू हो गई है। और ये देखिए, आपकी ऐसा चुनाव था, मैंने तो कभी ऐसा चुनाव देखा नहीं जो प्रशासनिक अधिकारी किसके सारे पर सीधा सीधा जनता से वोट, जनता को धमकाना और ऐसे प्रचार कर रहे थे कि मतलब सरकार वोट मांग रही हो या ये अधिकारी वोट मांग रहे हो। तो इसलिए हम लोगों को कई दिन से जनता के बीच में जाना पड़ा। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, मैनपुरी और रामपुर में तो ऐतिहासिक दृष्टि मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बीजेपी के कैंप में पहुंच करके मतदान के लिए जा रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह, वो अपनी हार देख करके इस प्रकार खीज मिटा रहे हैं। बीजेपी जीत रही है और सपा बुरी तरह से परास्त हो रही है। यहाँ चुनाव जनता और प्रशासन के बीच चल रहा है, जनता और मतदाता बड़े पैमाने पर
तीन चौथाई से ज्यादा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में। नेताजी की वजह से, नेताजी की मृत्यु की वजह से ये सीट खाली हुई है और नेताजी 24 तक के लिए चुने गए थे। जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है।